हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिश वर्क फॉर यू। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम मेलामाइन ग्लॉसी का पॉलिश किस तरह करते हैं उसके बारे में फुल डिटेल्स में आपको बताएंगे और करके भी दिखाएंगे। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल जो है न्यू है तो आपकी प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और दोस्तों में शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपको समझने में दिक्कत आएगी, तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है हमारा मेलामाइन का सीलर जिसको बेसकोट बोलते हैं। ये आपका 1 लीटर, 4 लीटर और 20 लीटर के पैकिंग के साथ में आता है। इसको बनाने के लिए इसके साथ में उसका हार्डनर मिक्स करना होता है जो इसको सूखने में उसकी मदद करती है और इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। इसको पतला करने के लिए इसमें थिनर मिक्स करना होता है जो हमने इसमें एशियन पेंट्स का A1 थिनर इसमें मिलाया हुआ है माल को थोड़ा पतला करने के लिए। ये है हमारा हार्डनर जो 1 लीटर माल के साथ में 100 ml हार्डनर मिक्स करना होता है। तो इसके बाद में हमारा माल बनके तैयार हुआ है जिसको हम लोगों ने मशीन के साथ में अप्लाई किया हुआ है पहला कोट विनियर के ऊपर में। इससे पहले अगर आप 120 या 220 नंबर की रेगमाल से इसको सेंडिंग बढ़िया से करवा देते हैं उसके बाद में फिर आप मेलामाइन सीलर मशीन से अप्लाई करते हैं तो बहुत बेहतर होगा। मेलामाइन सीलर चाहे तो आप हाथ से लगवा सकते हैं बट मशीन से लगाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें हम लोगों ने विनियर की वाटर कटिंग करवाई है। वाटर कटिंग का मतलब ये है कि विनियर की सफाई। अगर आप विनियर बिना सीलर मारे अगर कारपेंटर जो है विनियर को चिपका देता है तो उसमें गंदगी, फेविकल, हाथ का कोई सा काला निशान लग जाता है तो उसको बिना साफ किए हम लोग सीलर उसमें नहीं मार सकते। जैसे कि आपने देखा अभी विनियर में हम लोग विनियर लगने से पहले हमने सीलर मार दिया है ताकि कारपेंटर अगर उसको चिपकाए फेविकल उविकल दे के तो सीलर पहले से अगर लग जाती है तो उसमें कोई चांस नहीं है दाग धब्बा फेविकल लगने की। अगर लगती है तो आसानी से निकल जाती है। तो अगर सीलर मारने से पहले उसको चिपका देते हैं तो उसमें दाग धब्बा बैठ जाती है तो उसको बिना साफ किए हम लोग सीलर नहीं मार सकते। अगर सीलर मार देंगे तो वो दाग धब्बा फिर उसके नीचे में रह जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने उसको पानी से सफाई किया। सफाई करने के बाद में फिर वो ड्राई होने के बाद में उसको बढ़िया से सेंडिंग करने के बाद में फिर उसमें सीलर हम लोगों ने अप्लाई किया। तो जैसे कि आपने देखा पहले विनियर का सीट मशीन से सीलर अप्लाई करते हुआ देखा और दूसरी जो है विनियर कम्प्लीटली लग जाने के बाद में सीलर कैसे लगाते हैं उससे पहले क्या किया जाता है तो उसको हम लोगों ने दिखाया। तो आगे चलते हैं और सीखते हैं। सीलर लगने के बाद में फिर हम लोगों का पुट्टी का वर्क शुरू होता है। पुट्टी इन द सेंस जैसे कि फेविकल लगा करके वो विनियर को चिपकाना होता है तो पूरा किला उसमें मार के हम लोगों को तो टेम्प्रारी उसमें किला मार के रखते हैं जब तक वो फेविकल सूख ना जाए और हार्ड बन ना जाए तब तक किला उसमें चिपका रहता है। तो फेविकल सूख जाने के बाद में वो किला को फिर से निकाल दिया जाता है तो वो वहाँ पर छोटी छोटी होल रह जाती है तो उस होल को बंद करने के लिए हम लोग उसमें पुट्टी अप्लाई करते हैं। तो जिस तरह की जोन सी कलर की विनियर रहती है उस कलर मैचिंग पुट्टी बना करके उसमें दिया जाता है। तो जैसे कि आपने देखा अभी पुट्टी हम लोगों ने जो कलर की विनियर है उसी हिसाब की मैचिंग पुट्टी बना करके जहाँ पे किला मारा हुआ था जिस जिस जगह में जहाँ पर होल है सिर्फ उसी जगह में हम लोग हाथ से पुट्टी अप्लाई कर रहे हैं। पुट्टी अप्लाई करने के बाद पुट्टी और मारा हुआ सीलर दोनों को एक साथ में सेंडिंग करके निकालना होता है 120 नंबर की रिंगमाल से।
निकालना मीन्स जो विनियर में सीलर हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो वो सूखने के बाद वो सीलर जो है नासा के अंदर में जितना उसका खींचना होता है वो खींच लेता है, और बाहर ऊपर में जितना माल रहता है तो उसको अगर कटिंग कर देते हैं तो आपका जो है सरफेस जो है चिकना हो जाता है। तो इस तरह से हर एक कोट में आप सैंडिंग करते जाइए, अप्लाई करते जाइए, ताकि आपको फिनिशिंग में अच्छी रिजल्ट मिलेगी। तो इसके बाद में हम लोग उसमें पॉलिश इस्तेमाल किया हुआ है जो एशियन पेंट्स की है, और ये हमारा GCI का थिनर है जो पॉलिश के साथ में मिक्स होती है पॉलिश को थोड़ा पतला करने के लिए। पॉलिश थोड़ा मोटा रहती है क्योंकि ये हैंड से मारा जाता है, तो इसलिए उसमें थिनर मिलाना होता है। थिनर मिलाने से पॉलिश थोड़ा पतला हो जाती है और मारने में थोड़ा आसानी रहती है। तो पॉलिश बनाने के बाद में इस तरह से हैंड से पॉलिश उसके ऊपर में किया जाता है, तो आप उसमें 1, 2 या 3 जितना हाथ आपको मारना पड़े आप मार सकते हैं, उसमें शाइनिंग निकलने तक उसमें जितना ज़रूरत पड़ती है तो उस हिसाब से उसमें पॉलिश किया जाता है। बेस के हिसाब से, बेस जितना उसकी रिक्वायरमेंट है तो उस हिसाब से हम लोग उसमें पॉलिश अप्लाई करते हैं। तो पॉलिश बढ़िया से कम्प्लीटली हो जाने के बाद में, फिनिशिंग आ जाने के बाद में, फिर हम लोग उसमें सैंडिंग करते हैं ताकि कपड़ा से कहीं से कुछ डस्ट या कचरा उसमें लग करके अगर बेस में लग जाता है, हमारे सरफेस में लग जाता है, तो फाइनल जब टॉप कोट हम लोग डालते हैं तो वो कचरा रहने की वजह से जब उसको टच करते हैं तो वहाँ पे उस जगह रफ हो जाती है। तो इसकी वजह से हम लोग पॉलिश फाइनल करने के बाद तो उसको एक बार चेक करते हैं। चेक करने के बाद में उसको अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसमें रेगमाल लगा करके हल्का सा कहीं पे डस्ट लगा हुआ होता है तो उसको निकाल देते हैं। निकालने के बाद में फिर आपको क्लॉथ से बढ़िया से साफ़ कर लेते हैं, पोंछ देते हैं।